हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में हम नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एम डिस्कस करने वाले हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप एम पी ग्रुप फाइव के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके जो पी है वो परचेज़ कर सकते हैं चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है द एथिकल प्रिंसिपल विच शोज ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ इज़ यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा एथिकल प्रिंसिपल जिसमें यह शो किया जाता है कि जो टेल द ट्रूथ मतलब हमें सही बोलना चाहिए सच बोलना चाहिए किस चीज़ से रिलेटेड है यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं फर्स्ट वन इज़ ऑटोनॉमी ऑप्शन नंबर बी इज़ वेरा Option number C is fidelity and option number D is beneficence. तो यहाँ पर इसका जो राइट right आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी वीरा सिटी वीरा सिटी जो यहाँ पर इथिकल प्रिंसिपल है ये इंडिकेट करता है कि हमें टेल द ट्रूथ मतलब हमेशा सच बोलना चाहिए अपने पेशेंट से उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वू हैज़ गिवन फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर पूछा गया है फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से मैनेजमेंट इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने दिए हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ डैनियल फ्रॉड Option number B is Mary Follett, option number C is Henry Fayol, and option number D is Florence Nightingale. तो यहाँ पर इसका जो राइट right आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी हैंनरी फेल हैंनरी फ़ेल ने फोर्टीन प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के यहाँ पर हम सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क या डिवीजन ऑफ़ लेबर बोल सकते हैं तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने ये बताया गया है कि जो भी वर्क रहता है जो भी काम है हमारा उसे क्या कर दिया जाए डिवाइड कर दिया जाए सपोज़ कि यदि आपके हॉस्पिटल में या अगर आप टीचिंग करते हैं तो आपके स्टाफ में यदि किसी एक के ऊपर वर्कलोड है तो उस वर्कलोड को क्या कर दिया जाए डिवाइड कर दिया जाए बाकी अदर लोगों में ताकि एक ही व्यक्ति के ऊपर प्रेशर ना पड़े और जो काम है वो भी जल्दी हो जाए अथॉरिटी से इंडिकेट करता है ये प्रिंसिपल की जो अथॉरिटी है या फिर Uh, जो uh, मतलब एक ताकत होना चाहिए अथॉरिटी होना चाहिए जो कि uh, जो भी हम काम कराना चाहते हैं उसके लिए एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो फिर उसके बाद यहाँ पर और जो प्रिंसिपल्स हैं वो आप देख सकते हैं उनके नेम नेक्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर डिसिप्लिन जो है वो रहना चाहिए यूनिटी ऑफ कमांड जो कमांड दी जा रही है वो एक यूनिटी में हो जो भी कमांड जो भी मतलब हमारे हेड नर्स या जो भी कमांड दे रहे हैं उसे एक यूनिटी के साथ फॉलो किया जाए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि सभी का जो डायरेक्शन है जो गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन uh, में जो भी लोग हैं उनका जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सनस uh, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सभी का जो गोल है वो एक ही होना चाहिए एक ही डायरेक्शन में एक ही गोल को अचीव करने के लिए सभी काम करें सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब कि जो भी सब ऑर्डिनेटर्स हैं वो अपने इंटरेस्ट के साथ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो इंटरेस्ट के साथ करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में रेम्यूनिशन रिलेटेड है रिवेन्यू से या अर्निंग से सैलरी से रिलेटेड है ये कि यदि जो भी व्यक्ति जॉब कर रहा है तो वो जितनी एक्सपेक्टेड सैलरी रखता है कि मुझे इतनी सैलरी मिलना चाहिए तो उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसे सैलरी प्रोवाइड की जाए तो वो भी जो है जॉब सेटिसफिकेशन के साथ काम करेगा और जो भी वर्क उसे दिया जाएगा वो उसे सैटिस्फ़िकेशन के साथ करेगा सेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो भी हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर सेंट्रलाइज हो स्केलर चेन मतलब कि जो जो भी मतलब हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो प्रॉपर एक स्केलर वे में मतलब कि हमें मैसेज कम्युनिकेट करना है तो वो हम डायरेक्ट हायर पर्सन से जाकर कम्युनिकेट ना करें एक प्रॉपर वे में करें जैसे कि सबसे जो लो कैटेगरी या लो मैन लो वाली जो भी पोस्ट पर होगा वो पहले मिडिल वाले पर जाकर जो भी उसे बात कहनी है उससे कहेगा दैन फिर वो जाकर अपने टॉप मैनेजर पर जाकर उसे वो मैसेज को कन्वे करेगा तो स्केलर चेन मतलब कि एक प्रकार की चेन रहना चाहिए मैसेज को कन्वे करने के लिए डायरेक्ट हमें हायर अथॉरिटी के पास जाकर कोई भी मैसेज नहीं बोलना है पहले हम जो भी हमसे बड़ी पोस्ट पर जो रहेंगे उन पर उनसे जाके हमें मैसेज को कम्युनिकेट करना है देन फिर हायर अथॉरिटी के पास जाना चाहिए ऑर्डर रहना चाहिए एक प्रॉपर ऑर्डर में जो है हम काम करें एक आ, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसका प्रॉपर ऑर्डर हो इक्विटी हो इक्विटी uh, मतलब समानता रहनी चाहिए स्टेबिलिटी रहनी चाहिए एक इंस्टीट्यूशन में स्टेबिलिटी मतलब कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी हो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना समय दे सके बार बार हमें अपने किसी भी एम्प्लॉय को ऐसे ट्रांसफ़र या फिर निकालना नहीं है इनिशिएटिव मतलब हमें एम्प्लॉयी हैं उन्हें इनिशिएट करना है उन्हें कुछ भी हम बोनस दे सकते हैं इनिशिएट करने के लिए एस्पिरिट डे कॉप्स जो है ये रिलेटेड है टीम वर्क से जो भी हमारी आ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो टीम वर्क में काम करे तो एस्पिरिट डे कॉप्स जो है वो टीम वर्क को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर हम बाकी और जो एम सी क्यूज़ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जैसे एस्पिरिट डे कॉप्स रेफर्स टू यहाँ पर पूछा गया है ऑप्शनस दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए सेंस ऑफ अचीवमेंट ऑप्शन नंबर बी सेंस ऑफ ह्यूमर ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर सी इज़ इज़ ऑफ 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 बिलोंगिंग एंड डी मोरालिटी तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी सेंस ऑफ बिलोंगिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंग ही जो है ये टीम वर्क को रिप्रेजेंट करता है फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मैथड इज़ यूज़फुल यूज़फुल फॉर लर्निंग अ स्किल यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सी टीचिंग मैथड है जो कि किसी स्किल को लर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ऑप्शन नंबर ए इज़ लेक्चर मेथड। ऑप्शन नंबर बी इज़ डेमॉन्स्ट्रेशन ऑप्शन नंबर सी इज़ सेमिनार एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सिंपोजियम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी डेमोन्स्ट्रेशन जो बेस्ट uh, मेथड है यूजफुल मेथड है टीचिंग मेथड के लिए वो डेमोन्स्ट्रेशन है लर्निंग स्किल के लिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चेकिंग द इक्विपमेंट एंड सप्लाइज पेरियोडिकली इज़ नोन एज यहाँ पर पूछा है कि जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स रहते हैं सप्लाइज रहती हैं उन्हें हम हाँ पैरियोडिकली चेक करते हैं इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ आइटम एनालिसिस ऑप्शन नंबर बी इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑप्शन नंबर सी इज़ इन्वेंट्री एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इंडेंट तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इन्वेंट्री इन्वेंट्री में हम जो हैं पेरियोडिकली क्या करते हैं जो भी हमारे पास आइटम्स हैं सप्लाइज़ हैं उनको हम चेक करते रहते हैं कि वो वर्किंग कंडीशन में हैं या नहीं है या हमारे पास अगर ख़त्म हो गए हैं उनका शॉर्टेज होने वाला है तो हमें उन्हें पहले से बुला के अपने स्टॉक में मेनटेन करना रहता है फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टॉकिंग एडिकुएट नंबर एंड काइंड ऑफ स्टोर सो दैट द रिक्वायर्ड मटेरियल इज अवेलेबल वैन एवर नेसेसरी इज यहाँ पर पूछा गया है कि जो भी हम आ, क्या करते हैं स्टॉकिंग एडिक्यूट नंबर एंड काइंड ऑफ स्टोर्स मतलब जो भी हम सामान है आर्टिकल्स हैं जो भी रिक्वायरमेंट है जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है, है उसे हम स्टॉक में मेनटेन करके रखते हैं एडिक्यूएट नंबर में तो जो ये प्रोसेस है इसे क्या कहा जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज रिप्लेसमेंट ऑप्शन नंबर बी इज प्रोक्रूमेंट ऑप्शन नंबर सी इज स्टोरेज एंड ऑप्शन नंबर डी इज इन्वेंट्री कंट्रोल तो यहां पर भी इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इन्वेंट्री कंट्रोल जो भी हम स्टॉक में क्या करते हैं जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है स्टॉक में हम उसे एडिक्वेट नंबर में मेंटेन करके रखते हैं उसे इन्वेंट्री कंट्रोल कहा जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नर्सिंग रिकॉर्ड्स एंड थ्रो अदर एविडेंस अबाउट पेशेंट केयर इज़ कॉल यहाँ पर पूछा गया है कि हम जो भी हम हमने पेशेंट को केयर दी है उन सभी पेशेंट केयर के एविडेंस और जो भी नर्सिंग रिकॉर्ड्स हैं सारी इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करके रखते हैं कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन तो उससे हम किस चीज़ के लिए यहाँ पर मतलब पेशेंट की केयर के लिए जो भी हम डेटा इकट्ठा करके रख रहे हैं कलेक्ट करके रख रहे हैं जैसे नर्सिंग रिकॉर्ड हो गया एविडेंस हो गए वो हम किस चीज़ के लिए रिकॉर्ड करके रखते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ नर्सिंग ऑडिट के लिए ऑप्शन नंबर बी इज़ मेडिकल ऑडिट के लिए ऑप्शन नंबर सी इज़ इंस्पेक्शन के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एक््रेडिटेशन या फिर एक्रेडिटेशन के लिए तो यहाँ पर इसका जो राइट right आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए नर्सिंग ऑडिट ये जो भी हम डेटा रखते हैं कलेक्ट करके इस ये नर्सिंग ऑडिट के लिए रखा जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन से टाइप की लीडरशिप स्टाइल है जो कि मोस्ट इफेक्टिव है ऑप्शन नंबर ए इज़ लेजेज फेयर लीडरशिप ऑप्शन नंबर बी इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ऑप्शन नंबर सी इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप एंड ऑप्शन नंबर सी इज ब्यूरेटिकल लीडरशिप तो यहाँ पर इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है इसलिए मोस्ट इफेक्टिव टाइप की लीडरशिप है क्योंकि इसमें क्या होता है जो भी हेड पर्सन रहेगा जो भी अथॉरिटी रहेगी वो क्या करेगी अपने से नीचे जो भी लोग रहेंगे उन्हें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मतलब जैसे राजा अपनी प्रजा को जो भी इंडिकेशन देता है कि आप लोगों को ये काम करना है मतलब करना है तो इस टाइप से अगर जो भी चीज़ें की करवाई जा रही हैं तो उसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहा जाता है इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रेशो ऑफ स्टाफ नर्स एंड पेशेंट, पेशेंट इन इंजेक्शन रूम यहाँ पर पूछा गया इंजेक्शन रूम में स्टाफ नर्स और पेशेंट का कितना रेशो रहना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इज वन रेशो थर्टीन ऑप्शन नंबर बी इज वन रेशो एट्टी सिक्स ऑप्शन नंबर सी इज वन रेशो हंड्रेड एंड ऑप्शन नंबर डी इज वन रेशो थर्टी फाइव तो यहाँ पर इसका जो राइट right आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी वन रेशो एट्टी सिक्स इंजेक्शन रूम में जो नर्स पेशेंट का रेशियो है वो वन एटी सिक्स रहना चाहिए यदि आईसीयू में देखा जाए तो आईसीयू में जो है नर्स पेशेंट का रेशियो वन एस टू वन रहना चाहिए यदि जनरल वार्ड में देखा जाए तो जनरल वार्ड में जो नर्स पेशेंट का रेशियो है वो वन इज़ टू फाइव रहना चाहिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर पूछा गया है एक्नोलेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज़ थ्रू द वे ऑफ यहाँ पर पूछे गया यदि हमें एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एक्नोलेज करना है आइडेंटिफाई करना है तो हम किस वे में करेंगे ऑप्शनस यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ सेल्फ असैसमेंट करके ऑप्शन नंबर बी इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑप्शन नंबर सी इज़ रिवॉर्ड्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ अप्रिसिएशन या तो हमें जो भी पर्सन है उसका सेल्फ असेसमेंट करना है उसका जो परफॉर्मेंस जैसी है उसे अप्रेज करना है अप्रेजल बनाना है रिवॉर्ड देके आप कर सकते हैं या फिर जो भी पर्सन है उसे देना है तो यहाँ पर इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी परफॉर्मेंस अप्रेजल जो भी यदि हम किसी जो भी पर्सन है उसका हम क्या कर रहे हैं एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस हमें एक्नॉलेज करना है तो हम उसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोफेशनल नेग्लीगेंस इज लीगली टर्म्ड एज़ यदि किसी पेशेंट को प्रोफेशनली नेग्लीगेंस किया गया हो तो उसके लिए क्या टर्म हम यूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ क्राइम ऑप्शन नंबर बी इज़ अशॉल्ट Option number C is malpractice and option number D is slander. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी माल प्रैक्टिसेस माल प्रैक्टिसेस जो है ये अगर किसी पेशेंट को आपने नेग्लीगेंस किया है उससे आपने कुछ भी उसके साथ गलत किया है या माल प्रैक्टिस किए, कोई दूसरा मेडिकेशन लगा दिया गलती से या कुछ भी आपने ऐसी प्रैक्टिसेस की हैं तो वो माल प्रैक्टिसेस कहलाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मैनेजमेंट वॉज प्रपोज बाय तो यहाँ पर पूछा है थ्योरी एक्स एंड वाई जो है वो कौन से यहाँ पर साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज की गई थी ऑप्शन नंबर ए इज़ विलियम आउची ऑप्शन नंबर बी इज़ डोगला सैम्सी ग्रेगर ऑप्शन नंबर सी इज़ मैरी फॉलेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फ्रेडरिक टेलर तो यहाँ पर इसका जो राइट right आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी डोगल सैमसी ग्रेगोर जॉर्ज के द्वारा जो है यहाँ पर थ्योरी एक्स एंड वाई जो है ये प्रपोज किए गए थे मैनेजमेंट के लिए uh, इस थ्योरी में जो एक्स एंड वाई में इन्होंने ये बताया कि जो थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग जो पीपल होते हैं वो जैसे एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के लोग प्रेजेंट रहते हैं जो कि uh, कुछ रहेंगे जो नेगेटिव टाइप के पीपल्स रहेंगे कुछ रहेंगे जो पॉजिटिव टाइप के रहते हैं तो जो लोग नेगेटिव होते हैं मतलब कि जिन्हें कोई भी काम दिया जाए तो उन्हें कुछ काम पसंद नहीं आता है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाते हर चीज़ को अवॉइड करते हैं सेटिस्फिकेशन नहीं होता है उन्हें अपनी जॉब से तो इस टाइप के जो नेगेटिव पीपल रहते हैं वो उन्हें उन लोगों को उन्होंने थ्योरी एक्स में रखा है और थ्योरी वाई में उन उन्होंने पॉजिटिव पीपल्स को रखा है जैसे कि जो लोग अपने इंस्टीट्यूशन में बहुत एक्टिवली काम करते हैं किसी भी काम को बहुत ज़्यादा उत्सुकता के साथ करेंगे जॉब सेटिस्फिकेशन होगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे इस टाइप के जो लोग रहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उन लोगों को उन्होंने थ्योरी वाई में रखा है तो ये जो थ्योरी है ये डुगला सैमसी जॉर्ज के द्वारा जो है ये दी गई है तो आज के वीडियो में हमने मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं यदि आप एम ग्रुप फाइव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं थैंक यू